मैं बाबा विवेक द्विवेदी, चैती छठ के संबंध में किसी के मन में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। चैत मास हमारे सनातन धर्म में, सनातन शास्त्रों में वर्ष का पर्याय माना जाता है। सनातन नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होती है और ठीक इसी बीच चतुर्थी तिथि से भगवान सूर्य की आराधना होती है, उपासना होती है और ये चार दिनों का व्रत चलता है। इसमें जितने भी भगवान के भक्त हैं, साधक हैं, आरोग्यता के लिए, संतान के लिए, धन ऐश्वर्य के लिए, वैभव के लिए भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। इस बार 12 अप्रैल को चतुर्थी तिथि पर रही है, जिसमें नहाए खाए से इस व्रत का प्रारंभ होता है। उस दिन जितने भी व्रत करने वाले हैं, व्रती हैं, गंगा स्नान करके और शुद्ध सात्विक अरवा चावल, अरहर का दाल, कद्दू का दाल, सेंधा नमक का सेवन करके, शुद्ध भोजन करके, आहार विहार की शुद्धि के साथ इस व्रत की शुरुआत करते हैं। उसके बाद वाले दिन यानी 13 अप्रैल खरना का है। इस दिन जितने भी व्रती माताएं हैं, पूरे दिन उपवास रह के संध्या के समय गाय के गोठे पर, आम की लकड़ी पर, मिट्टी के चूल्हे पर, मिट्टी के पात्र में, पीतल के पात्र में भगवान को भोग लगाने के लिए खीर और रोटी गाय के देसी घी के साथ, गाय के दुग्ध के साथ उसका निर्माण करके प्रसाद भोग लगती है और फिर उसी प्रसाद को पाने के बाद उनका 48 घंटे का उपवास शुरू होता है, जिसके बाद दूसरे दिन सायंकालीन अर्घ से और फिर चौथे दिन प्रातःकालीन सूर्य भगवान के अर्घ से इसका पारण होता है, समापन होता है। जिस दिन इस व्रत का समापन होता है, पूर्णता होता है, उदयकालीन सूर्य को, सूर्योदय के समय उदय हुए सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद उनसे अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, संतति लाभ के लिए, संपत्ति लाभ के लिए, ऐश्वर्य लाभ के लिए, धन वैभव इत्यादि लाभ के लिए याचना करते हुए, प्रार्थना करते हुए इस व्रत का समापन करते हैं। महामंगलप्रद यह व्रत है, भगवान सूर्य आदि देव की उपासना का महापर्व है और इस बार भी यह चैत नवरात्र के साथ महाउपासना का पर्व होगा और जो भी भक्त इसमें रहेंगे उनकी सारी मनोकामना भगवान सूर्य स्वयं अपनी कृपा से पूर्ण करेंगे। ये जो व्रत है, लोग कहते हैं 36 घंटा, लेकिन 36 घंटा नहीं, ये व्रत पूरे 48 घंटे का व्रत है। जिस दिन खरना है उस दिन प्रातःकाल से व्रत प्रारंभ होता है और जो खरना का प्रसाद बनता है वह व्रत में ही बनता है, दूध का, गाय के दूध का और चावल का जो खीर बनता है, रोटी बनती है, भगवान को भोग लगता है और फिर दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन जब पारण करते हैं तब इस व्रत का समापन होता है। तो इस व्रत को 36 घंटे का नहीं कहिए, ये 48 घंटे का व्रत है और महाव्रत है। जो व्रती इसको करते हैं वे साक्षात विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। शुभ मुहूर्त तो यह पूरा का पूरा दिन ही है, 12 तारीख से लेकर और पारण तक का जो दिन है ये पूरे अपने आप में शुभ मुहूर्त है और इस मुहूर्त के आधार देवता भगवान सूर्य हैं। सूर्य उदय और सूर्य अस्त, यही इस व्रत का आधार है। सूर्यास्त होगा तब अर्घ देना है, सूर्योदय होगा तब अर्घ देना है, सूर्यास्त होगा तब प्रसाद पाना है, सूर्योदय होगा तब प्रसाद पाना है। इसका मुहूर्त यही है, सूर्योदय और सूर्यास्त, इसके बीच में ही इस व्रत का विधान है।